बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सहर अरुण किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मसाले वाली फ़िश। इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। मसाले वाली फ़िश की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, लेकिन आज हम इसे चावल के पेस्ट लगाकर तब बनाएंगे। लखनऊ में इसे पीठे की मछली कहते हैं, तो पीठा लगाकर हम बनाएंगे। पीठे का मतलब होता है कि चावल का आटा हो और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़े से मसाले सूखे, ये सब मिलाकर और मछली पर लगाया जाता है और फिर इसको डीप फ्राई किया जाता है, उसको कहते हैं हम पीठे वाली मछली। आज हम वही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो फिश ली है और इसको मैंने इतने बड़े टुकड़ों में कटवा लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है, पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और यहाँ मैंने प्याज का पेस्ट लिया है। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा दही भी लिया है, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। और ये मैंने थोड़ा सा चावल का आटा लिया है। अगर आप लोगों को चावल का आटा मार्केट में ना मिले, तो आप घर में जब भी आप फिश ये वाली बनाएं, तो बनाने से आधा घंटा पहले चावल को भिगो दें और फिर मिक्सर जार में डालकर इसे पीस लें। लेकिन ये हमें आसानी से यहाँ पर मिल गया है, इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये चावल का आटे का यूज़ किया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, पत्ते वाली मेथी ली है। इसको मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप लोगों को ये पत्ते वाली ना मिले, तो कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, होममेड गरम मसाला लिया है, हल्दी ली है और नमक लिया है। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें दो जगह ऐड करनी है, एक जो हम पीठे वाला पेस्ट बनाएंगे उसमें और एक मसाला जब भुनेंगे ग्रेवी वाला उसके लिए। तो हम दिखाते जाएंगे हमने यहाँ पे कितना कितना यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने लिए मेथी दाना, मछली को बगाड़ने के लिए मेथी दाना का इस्तेमाल किया जाता है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए दोस्तों, बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक ये छोटा सा बाउल लिया है, पहले हम इसमें अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये चावल का आटा इसमें ऐड किया, इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच हम ये प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ हम थोड़ी सी हल्दी लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा हम लेंगे धनिया पाउडर, और लेंगे थोड़ा सा हम दही। और नमक ऐड कर देंगे। नमक हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर मछलियों में नमक होता है, अगर हम अभी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। दही मिलाया है, उसमें थोड़ा सा पतला है वो, तो पहले देख लेते हैं, अगर पानी की ज़रूरत होगी तो पानी ऐड हम करेंगे। इस तरह से हमने पेस्ट ये तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से इसे हम तैयार करेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए और सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। इस तरह से पेट के हम इसे तैयार कर लेते हैं और फिर यही पेस्ट हम मछली पे लगाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। यहाँ हमने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हमने अपनी जितनी भी फिश थी वो सारी डाल ली है, उसके अंदर हमने ये तैयार पेस्ट ऐड कर देंगे। और फिर अब हम इसे हाथ से ही मिलाएंगे, कि हाथ से ही ये ज़्यादा अच्छी तरह से मिल पाएगा।
तरह से इसमें हम पेस्ट लगाएंगे कि सारी मछली पे आसानी से ही लग जाए। ये जो हमने पेस्ट ऐसा लगाया है, अगर आप लोग चाहें तो इसे फ्राई करके और ऐसे ही चटनी से खा सकते हैं, लेकिन आज हम इसे ग्रेवी में पका रहे हैं। फिश फ्राई की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। इसे अच्छी तरह से हम मिला देते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे किचन काउंटर पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे और फिर ग्रेवी में पकाएंगे। यहाँ कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है। तेल हमने इतना रखा है कि ये आसानी से फ्राई हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसमें मेथी दाना ऐड कर देते हैं क्योंकि इससे फिश में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। मेथी दाना चटक गया है और इस तरह से हम फिश को फ्राई कर लेंगे। बहुत ध्यान से करें क्योंकि इस टाइम फ्राई करने से तेल की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। सारे पीस को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। एक बार में उतनी ही डालेंगे जितनी की आसानी से आ जाए। दोनों तरफ से हमने इसे फ्राई कर ली है और इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हम जितनी भी फिश है सबको फ्राई कर लेते हैं। मछली हमारी सारी फ्राई हो गई है और वो कढ़ाई छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म करा है। दोबारा से इसमें 2-3 दाने बस इतने ही मेथी दाना डाल देते हैं। इसे 2 मिनट 3-4 सेकंड लगेंगे, इसको चटक जाने देते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच ये भर के अदरक का पेस्ट और 3 चम्मच करीब हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला जले नहीं। इसके बाद एक चम्मच लाल मिर्च, ये 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं। अच्छी तरह से मसाले को हम भून जाने देते हैं। जब हमने मछली फ्राई करी थी तब फ्राई करने में ही मछली आसानी से गल गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। इसलिए अब हमें सिर्फ मसाले को अच्छी तरह भूनना है क्योंकि मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा और जितना पानी उसमें रखना है वो रख देंगे और बस मछली को डालकर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस 2 ही सेकंड हम उसमें मसाले में पकाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ज़्यादा पकाने से मछली बिल्कुल बिखर जाएगी। तो पहले इसे कम से कम हम 15 से 20 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। अब मसाले में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, कम ही नमक अभी डालना है हमें। और इसमें जो हमने दही रखा था बचाकर वो दही भी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। 2 ही चम्मच बचा है, 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारा मेथी और गरम मसाला बचा है, तो जब मसाला पूरी तरह अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें गरम मसाला और मेथी ऐड कर देंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से भुन जाने देते हैं और लगातार इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए, और अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो पानी भी हम ऐड कर देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल भी इसमें देखिए सेपरेट होने लगा है। अब हमें क्या करना है,
ये जो हमने मेथी ली थी इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और मेथी को इसमें हम ऐड कर देंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। ये मेरा होममेड गरम मसाला है और इसे बस अब हम 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसमें मछली ऐड कर देंगे। और 2 मिनट तक इसलिए ताकि ये जो हमने मेथी के पत्ते डाले हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह से ये पक जाए। मेथी जो हमने डाली थी अच्छी तरह से पक गई है और मसाला भी पूरी तरह से भुन गया है। इसमें मैं सिर्फ ना इतना सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मछली हम भुनी हुई बना रहे हैं, ज़्यादा पानी की अच्छी नहीं लगती है। और जब भी मछली बनाएं तो ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि जितने भुने मसाले की अच्छी लगती है पानी वाली नहीं अच्छी लगेगी। तो अब हम इसमें मछली ऐड कर देते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे हम, ये जो मछली का सर है ये हम सबसे पहले ऐड करेंगे। और उसके बाद हम पहले बड़े बड़े पीस इसमें रखते जाएंगे। मछली एकदम हमारी गली हुई है इसलिए हमें ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ लगाएं, जब जगह ना हो तब एक के ऊपर एक लगाएं वरना सारी फिश को हम फैलाकर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा चला देते हैं। बस इसी में ये अच्छी तरह से पक जाएगी। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम ढक देते हैं और 10 मिनट बाद हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कितनी आसानी से तैयार है हमारे पीठे वाली मछली। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और पीठा लगाने के बाद इसका टेस्ट जो है वो दोगुना हो जाता है। तो इसे ज़रूर एक बार मेरी तरह ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।